तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट देने से किया इनकार। कहा अगले साल राहुल गांधी को मनाएंगे भारत का पीएम। मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं किया कुछ, मोदी से मुस्लिम महिलाएं भारत की नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने जारी किया वीडियो, बोले मरना मंजूर है डरना मंजूर है लेकिन मोदी सरकार के सामने झुकना मंजूर नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में जातिगत जनगणना जारी करने के बाद दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मांगी पूरी देश के लिए दुआ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने अपने कुत्ते का नाम रखा नूरी, तो ओवैसी की पार्टी मीम ने जताया ऐतराज, कहा मुस्लिम लड़कियों का कर रहे हैं राहुल गांधी अपमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी देगी 3 लोकसभा की सीटें, शरद पवार ने किया दावा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के विरोध में उतरी भारत की मुस्लिम महिलाएं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की खाई कसम, सर्वे में हुआ खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम महिलाओं का मन जानने के लिए गोदी मीडिया के कई चैनलों ने एक सर्वे कराया। इस सर्वे में मुस्लिम महिलाओं से उन्होंने पूछा कि आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को या फिर प्रधानमंत्री मोदी को। वहीं आपको बता दें कि देश की मुस्लिम महिलाएं ने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हुए राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और देश को संभालें और पूरे देश की जनता का विकास करें। प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम महिलाओं ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को अब हम वोट नहीं देंगे और अब हम राहुल गांधी को 2024 में वोट देंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम महिलाओं का मुंहभंग मोदी सरकार से हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने जारी किया वीडियो, बोले मरना मंजूर है डरना मंजूर नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरेस्ट होने के बाद एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आज अचानक ईडी मेरे घर पहुंची, दिन भर छापेमारी की लेकिन कुछ नहीं निकला। संजय सिंह ने कहा है कि जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप बुरी से चुनाव हार रहे हैं, ये आपकी हताशा और हार का संकेत है। उन्होंने कहा है कि जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। संजय सिंह ने कहा है कि मरना मंजूर है डरना मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि पहले भी इस बारे में मैं बोलता रहा हूं, आगे भी बोलता रहूंगा और ऐसे ही मैं बोलता रहूंगा लेकिन मोदी सरकार के सामने नहीं झुकूंगा। तो संजय सिंह ने गिरफ्तारी के बाद ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने बीजेपी पर यह बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे नीतीश कुमार, मांगी दुआ। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने बड़े अदब और एहतराम के साथ दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर चादर पोसी की तथा अकीदत के फूल भी पेश किए। इस दौरान उन्होंने इमाम के साथ मिलकर दुआ मांगी और पूरे प्रदेश में समृद्धि के लिए दुआ कराई। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों के बीच आपसी मेल जोल, भाईचारा और सद्भाव के रिश्तों को मजबूत किए जाने की भी दुआ मांगी, जिसका वीडियो और फोटो सामने आया है और अब नीतीश कुमार की काफ़ी पूरे देश में चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार बिहार में मुस्लिम समुदाय को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं और लगातार उनका विकास कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने अपने कुत्ते का नाम रखा नूरी, तो ओवैसी की पार्टी ने किया ऐतराज, बताया मुस्लिम लड़कियों का अपमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया गांधी को एक कुत्ता गिफ्ट किया है, जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी मां को दिए कुत्ते का नाम नूरी रखा है, जिसको लेकर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कड़ा ऐतराज जताया है। एआईएमएम ने कुत्ते के नाम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम धर्म में लाखों की तादाद में मुस्लिम लड़कियों का नाम नूरी है और राहुल गांधी ने इस कुत्ते का नाम नूरी रखकर लाखों की तादाद में मुस्लिम लड़कियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि
किसी भी कीमत पर कुत्ते का नाम हम नूरी नहीं रखने देंगे और हम इसका विरोध करेंगे। राहुल गांधी अपने इस कुत्ते का नाम चेंज करें क्योंकि ये मुस्लिम लड़कियों का अपमान है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आपको ये नाम ठीक लगा या नहीं, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिवार से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह की शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल उनके यहां पर मिलने पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि शामी संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब वो वहाँ पर मिलने पहुँचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लगातार उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव हार रही है और इसलिए उन नेताओं को टारगेट किया जा रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोलते हैं। और संजय सिंह का भी उन्हीं लोगों में नाम आता है क्योंकि संजय सिंह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सभी में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बोलते हैं और इसीलिए उनको 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करवाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू इसी महीने आएगी भारत वापस। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत से अपने प्यार को पाने की खातिर पाकिस्तान पहुंची अंजू अब नसरुल्लाह से शादी करके इस्लाम अपना चुकी है और उसका नया नाम फातिमा हो गया है। वहीं अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि वो जल्दी भारत वापस आने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि अंजू के दो बच्चे भारत में रह गए हैं, उसका एक लड़का है और उसकी एक लड़की है। उन्हीं से मिलने के लिए नसरुल्ला को लेकर अंजू भारत आने वाली है और भारत आकर वो अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाएगी। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे ही अंजू भारत आएगी अंजू को गिरफ्तार किया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस दिल्ली में देगी 3 लोकसभा सीटें, शरद पवार ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जहां एक ओर भाजपा अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का गठबंधन इंडिया भी अपनी कोशिश में जुटा है। इसी बीच बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा है कि हाल ही में एक चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 कांग्रेस को देने की तैयारी कर ली है, यानी 7 में से 3 कांग्रेस पार्टी को जो है आम आदमी पार्टी देगी और 4 सीटें खुद आम आदमी पार्टी दिल्ली की लड़ेगी। आपकी क्या राय दोस्तों, अगर 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ती है तो दिल्ली में जीतेगी या नहीं, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निज्जर के गुरुद्वारे पहुंचे जस्टिन ट्रूडो के करीबी सांसद, अलग खालिस्तान के लिए मांगा समर्थन। जब दोस्तों आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडाई नागरिक से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के करीबी सांसद सुख धालीवाल ने कथित तौर पर निज्जर को कनाडा में स्थायी निवासी PR दिलाने में मदद की थी। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस गुरुद्वारे से हरदीप सिंह निज्जर जुड़ा हुआ था उस गुरुद्वारे में सुख धालीवाल को देखा गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोध में किस हद तक जाएंगे। सुख धालीवाल को उसी गुरुद्वारे में देखा गया है, उस दौरान उसने एक जनसभा भी की और उस जनसभा में अलग खालिस्तान के लिए लोगों से समर्थन मांगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईडी की रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी, कहा ईडी को करना चाहिए निष्पक्ष जांच। जब दोस्तों आपको बता दें कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सहित देश में अलग अलग राज्य में पड़ रही ईडी की रेड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे मोदी सरकार और ईडी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी से प्रतिशोध की कार्रवाई वाले आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती, उसे अत्यधिक ईमानदार और निष्पक्ष के साथ काम करना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धन शोधन रोधी एजेंसी को अब से बिना किसी अपवाद के आरोपी को गिरफ्तार का आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईडी लगातार कई राज्यों में जो है रेड मार रही है, उससे देश की जनता भी परेशान है, नेता भी परेशान है और इसी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि निष्पक्ष तरीके से ईडी को जाँच करनी चाहिए, ना कि किसी सरकार या किसी व्यक्ति के दबाव में।
हारेगी बीजेपी जीतेगी कांग्रेस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आज ताजा सर्वे आ गया है। इस सर्वे में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है जबकि भाजपा चुनाव हार रही है। आपको बताएंगे कि इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है, बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है और ओबीसी की पार्टी कितनी सीट